76वां उनका जन्मदिन है और सब लोगों के प्रार्थना दुआ से और लालू जी जो है स्वस्थ होकर के बिहार लौटे हैं। तो बहुत दिनों से लोगों की मिलने की चाह थी, उनको देखने की चाह थी, तो आज सुबह से ही लगातार जो है वो लोगों से मिल रहे हैं और देश भर से दुनिया भर से जो है उनको बधाई देने का जो है लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो आज के दिन तो पार्टी द्वारा युवा राष्ट्रीय जनता दल जो है रक्तदान भी लोगों ने करने का काम किया है, अलग अलग जगह गरीब दलितों जो कमज़ोर वर्ग है वहाँ पर सभी समाज के लोगों को खाना खिलाने का काम किया है। तो सब लोग जो है लालू जी का जन्म को एक सामाजिक न्याय दिवस के रूप में लोग जो है मनाते हैं, जो पार्टी भी लगातार शुरू दिन से ही ये काम करती रही है। तो हम सब लोग जो है इस बात से खुश हैं। अरे आप लोगों को तो हम बोले ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम बनना है, एकमात्र लक्ष्य है 2024 का मिल करके फिरका परिशक्तियों को देश से भगाना है। जो लोग देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को, जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद जहर की राजनीति करते हैं, उन लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, उसकी तैयारी चल रही है। किसी की मंशा थोड़ी ना है कुछ, नहीं तो आप बीजेपी में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, और नहीं जाइएगा तो क्या होता है ये सबको पता है। हम लोग शुरू से लड़े हैं, लालू जी शुरू से लड़े हैं, घुटने नहीं टेके हैं, ना हम लोग टेक रहे हैं। आजकल यही ना है, वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। कितना बड़ा से बड़ा भी दागी नेता जो है भाजपा में चला जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गया। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन हम लोगों की अपनी कोई मंशा नहीं है, ये देश हित के लिए है, बिहार के लिए है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, किसी के कुछ कह देने से वो हो सकता है क्या, कोई भी टिप्पा टिप्पणी करता, लेकिन ये गंभीरता दिखाता है ना। ये डोंट हैव एनीथिंग, कोई मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है, किसी का चरित्र हनन करने के लिए ये लोग किसी। एक बात तो सही है ना कि कर्नाटका में तो हार हुई, हिमाचल प्रदेश में हार हुई, आने वाले राज्यों में भी हार होगी, ये लोग बनाते रहे, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद जहर बोना कश्मीर इन सारी चीज़ों पर चर्चा करें। हम लोग जनता के मन की बात पर विचार करेंगे, उनकी क्या मांग है, क्या वो अपेक्षा रखता है भारत सरकार से, इस बात को हम लोग उठा रहे, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, विकास की बात होनी चाहिए और पॉजिटिव बात होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। तो ये लोग तो नकारात्मक लोग, रुड़की की टीम तो आई थी, रुड़की की टीम आई थी और वो जांच कर ही रही है, तो जांच जब आ जाएगा तो आप लोगों से कुछ छुपाया जाएगा, वो सारी चीजें आ ही जाएंगी आप लोगों के सामने। लेकिन जो लोग मांग कर रहे थे क्या क्या का, तो जब पहली बार जब पुल गिरा था तो वो लोग क्या कर रहे थे।